हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं व्याकरण यानी ग्रामर। तो हम ग्रामर क्यों पढ़ते हैं, लैंग्वेज में व्याकरण यानी ग्रामर का क्या इम्पोर्टेंस है, उसका पूरा जानकारी हम बहुत कम समय में देने वाले हैं। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने तथा लिखने का ज्ञान कराने के साथ उसकी एक रूपता बनाए रखने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण शब्द दो शब्दों के संयोग से बना है, वी प्लस आकरण। वी का अर्थ है विकार या बुराई तथा आकरण का अर्थ है निकालना। यानी सीधा सीधी आप बता सकते हैं, समझ सकते हैं, व्याकरण का मीनिंग है बुराई निकालने वाले या गलत निकालने वाले। इस प्रकार भाषा के विकार को निकालकर उसे शुद्ध रूप देना ही व्याकरण का मुख्य कार्य है। तो व्याकरण का कार्य अभी आपको समझ में आ गए होंगे। तो भाषा में जो गलती है, जो त्रुटि है, उसको निकाल के उसको करेक्शन करना, शुद्ध करना, वही व्याकरण का मूल कार्य है। अतः व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो किसी भाषा में अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए उसके नियमन का कार्य करता है। अतः व्याकरण भाषा की कुंजी है। व्याकरण को तीन अंगों या विभागों में बांटा गया है। वर्ण विचार। व्याकरण के इस भाग में वर्ण, अक्षर, वर्णमाला, वर्ण भेद, उच्चारण स्थान, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। दूसरे नंबर पर शब्द विचार। व्याकरण के इस विभाग में शब्द या उनके प्रकार, रूप, बनावट, भेद, लिंग, वचन, कारक, काल, व्युत्पत्ति आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। तीसरे नंबर पर वाक्य विचार। व्याकरण के इस विभाग में वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्ह आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ा है व्याकरण के परिभाषा, मुख्य कार्य और व्याकरण के विभाग। तो अगले कक्षा में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए।